चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बर्दीवास आए हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, श्री पंचधुरा माई मंदिर पंचद्वार में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पर। दोनों तरफ कितना सुंदर हरियाली है, जंगल जंगल है और अंदर मंदिर है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा अथी है, सुहाना जगह है। ऐसा जगह तो एकदम ठंडा महसूस हो रहा है हम लोग यहाँ है। एक मंदिर का गेट निर्माण हो रहा है, नया मंदिर है, इधर मंदिर का कुछ सामान वगैरह मिल रहा है। तो चलिए इधर हम लोग पहले का गेट से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम लोग कुछ पूजा के लिए सामान वगैरह ले रहे हैं और मंदिर चलते हैं, माता के मंदिर में। यहाँ बंदर सब कितना है, हम लोग मंदिर में आ गए। वहाँ कितना सुंदर बंदर बैठे हुए है। गणेश जी का आप दर्शन कर रहे हैं, गणेश जी का मंदिर है सबसे पहले। फिर बंद है तो हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पर गेट खुला है, तो वहीं से मैं माता रानी का सुन ले ली हूँ। बेटा मुंह नहीं देखा था। तो यहाँ पर देखिए तालाब है, इसमें कितना कमल है, अभी खिला नहीं है, खिल रहा है। ये मंदिर में हम लोग आए हैं, देखिए बंदर सब। कमल का फूल देखकर तो हमको लोभे लग गया, लेकिन नहीं आ रहा है। शिव बाबा का मंदिर है, इतना बता फर्क नहीं छोड़े। तो यहाँ पर शिव बाबा का मंदिर भी है एक छोटा सा बस। हाँ, भोले बाबा का सवारी है नंदी। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी जो होता है सुनो, यहाँ बसा को कान में बोलना पड़ता है, मन्नत मांगता है, हम लोग को इधर कहा जाता है। वही बउआ मांग रहा है। तो इस जंगल में मंदिर है, इधर घर भी कम है, एक आप देख सकते हैं, इसे छोटा छोटा घाट सब है, मंदिर सब है। यहाँ हम लोग प्रसादी खरीदे थे, सब बंदर ही ले लिया है, तो हम लोग चढ़ा भी नहीं पाए हैं। अब हम लोग मंदिर में दर्शन कर लिए, हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। देखिए कितना अंधेरा ही लगता है, कितना जंगल है दोनों तरफ से, जो अंधेरा अंधेरा ही लगता है। बहुत अच्छा जगह है, मस्त सुहाना। तो आप लोग जब आइएगा यहाँ पे नेपाल में, तो यहाँ पर जरूर घूमिएगा, बहुत ही मंदिर अच्छा है, यहाँ सबका मन्नत पूरा होता है। तो देखिए हम लोग घूम कर आ गए, तो अब प्रवेश कर गए हैं, होटल है, तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कुछ खाते हैं। देखिए हम लोग, अब मेरा बेटा क्या खाता है, हम लोग यहाँ से खा करके फिर चलेंगे।